गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। और आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ उसका स्पेशल ओकेजन ये है कि अभी आज मेरे हस्बैंड की है बर्थडे। यस, और मैं बस आज वही सेलिब्रेट करने वाली हूँ। बहुत दिन से मैंने फुल एंड फ्रेश व्लॉग नहीं किया था, मिनी व्लॉग मैं कर रही थी। और आज मेरा बहुत दिन बाद मन हुआ कि मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँ, मतलब अच्छा लंबा वाला व्लॉग। तो बस मैंने सोचा स्टार्ट कर देते हैं। अभी है मॉर्निंग और आज लखनऊ में बहुत ही अच्छी सी धूप निकली है, ये देखो। तो बस मैं थोड़ा सा धूप में बैठी थी, मैंने ऑयलिंग कर रखी थी सर में और बालों में एक्चुअली। तो बस तैयारी हो रही थी आज हैंड वॉश की, क्योंकि मैंने वो लगाया था मेहंदी, तो मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली है जिससे अच्छा सा रंग आ जाए। और आफ्टर ऑल बर्थडे है इस वजह से। तो और भी है काफ़ी कुछ जो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो बस शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस एज यूजुअल। हम लोग ने थोड़ा सा रात में बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसकी क्लिपिंग आप आगे देखोगे तो मैं वो ऐड कर दूँगी। और छोटा सा सरप्राइज़ था, छोटा सा केक कट किया था और मैंने ये बुके भी दिया था उनको, जो कि यहाँ रखा है तो मैंने सोचा दिखा दूँ। और चॉकलेट्स भी दी थी तो वो भी है रखी, दिखाएं। तो बस और चलो देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन, क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, कैसे क्या करते हैं। वैसे सोचा है कि डिनर पे जाएंगे, फैमिली डिनर, और बस केक काटेंगे शाम को। और मैंने गिफ्ट भी ऑलरेडी दे दिया है, जो कि मैं आपको शाम को दिखाऊँगी कि क्या दिया मैंने, हस्बैंड ही दिखाएंगे। तो चलो बहुत दिनों बाद ब्लॉग पूरा देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो उनको घर का बना केक पसंद होता है, तो मैं घर का बनाने जा रही हूँ केक। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ बेक के करने के लिए। और आज हम लोग माइक्रोवेव में बेक नहीं करेंगे, ऊपर दिखा। तो किसमें करना है? मम्मा को किसमें करना है ये? फिर आप बेक हम लोग माइक्रोवेव में नहीं करेंगे, गैस पे करेंगे। ओह माय गॉड, माइक्रोवेव कुछ कायदे से वर्क नहीं कर रहा है इस वजह से। ओके, इधर भी देख लीजिए। बस चढ़ा दिया हमने कुकर, उसमें हो रहा है कुकर मतलब प्री हीट हो रहा है, कह लीजिए गर्म हो रहा है। और ये मैंने कर लिया पैन रेडी, पैन में बटर पेपर हाँ बटर पेपर लगाया उन्होंने, आप देख सकते हो। सो हम लोग बनाने वाले हैं केक मिक्स वाला जो रेडीमेड आता है। ये मैंने ब्लैंकेट से ऑर्डर किया था, प्योरामेट का है। और एक है ये विकफील्ड का, दोनों चॉकलेट फ्लेवर हैं, तो इन्हीं को हम मिक्स करके बनाने वाले हैं। तो ये मैंने बोल ले लिया है, अब इसमें मिक्स करेंगे। इसमें लिखा है पूरा, ये देख सकते हो आप। इसमें खाली डालना है हमें वेजिटेबल ऑयल और मिल्क, बस। तो देखिए इसमें मम्मा ने पाउडर डाल दिया, मतलब चॉकलेट पाउडर। ये अलग देखिए, उनको दिखाइए, इनको बहुत अलग हो गया है, वाइट हो गया शेप, मतलब अभी ब्राउन था हमने, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया अब हो चुका है पूरा वाइट, पर्पल जैसा हो गया है, आपको ऐसा वाइट ही दिख रहा होगा। और ये करिए मम्मा, कभी कभी स्माइल कर लिया करिए। हम लोग की मेहनत
गाइज अब हो गई है शाम, शाम का समय हो गया और मेरा केक बन गया जैसा आपने देखा। और बस अब हम लोग रेडी हो रहे हैं फटाफट से और निकलेंगे बस फैमिली डिनर के लिए। कुछ खास नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी फोटो नहीं वीडियो दिखाऊंगी केक कटते टाइम का और फैमिली डिनर का। अभी बस मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ और चिनिया भी पीछे रेडी हो चुकी हैं, हेलो, जो कि शूट कर रही हैं। और पापा इनके गए हैं ज़रा सा कुछ स्कूल के उससे प्रिंट आउट निकालना था वो लेने गए हैं, प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी था, कल सबमिट करना है इसलिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए, मैं वैसे भी बहुत देर से कर रही हूँ तो ज़रूरी है इनको प्रोजेक्ट सबमिट करना कल तक हर हाल में। तो वैसे लास्ट डेट 30th की है, लास्ट डेट 30th की है, बट इसी वजह से उनको अभी प्रोजेक्ट सबमिट करना, क्योंकि हम लोग 26 को होते हैं और इसीलिए मैं व्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें भैया, इतना सारे मेकअप से मेकअप कर रही हैं। आपको थोड़ी देर में रेडी होके और केक कटते टाइम मिलूंगी। हम लोग रेडी हो गए हैं, ये रहे बर्थडे बॉय और ये जैकेट जो इन्होंने पहनी है ये मैंने गिफ्ट की है, और कोई गिफ्ट इन्होंने दिखाया नहीं, सुबह से व्लॉग में अब आए हैं। और बता दो क्या क्या दिया है, एक बुके मिला है, एक ये जैकेट मिली है, केक बनाया इन्होंने अपने हाथ से, डेकोरेशन की है इन्होंने अपने हाथ से, तो अच्छा है। चॉकलेट भी दिया है, चॉकलेट हाँ यस, फेरेरो रोशर, रात में एक्चुअली मैं सो गया था, औंघार आ रहा था मुझे फेरेरो रोशर सुबह दी है, सुबह हाँ उस टाइम जो ही रहे थे मुझे लग रहा कि मैं सो रहा था तो उस टाइम दिया था, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छे अच्छे सरप्राइजेस के लिए। तो हम लोग बहुत लेट हो गया है लेकिन अब निकल रहे हैं, आओ या फाइनली हेलो हेलो, मैं वीडियो देखती हूँ, गेम खेल लेंगे तुम, गेम सब बुक रेडी है, शीशा देखना रात में अंदर ही रखा होगा कमरे में, ठंड जब ज्यादा हो तो कवर करो, जब ठंड ज्यादा पड़ती तो कवर कर। हेलो गाइस कैसे हो, सो गाइस हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे और ये कुछ स्वच्छता हमें है, यहाँ मम्मी बैठी है, माँ जी बैठी है, मैं बैठी हूँ और यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि रास्ता कहाँ है, मतलब गूगल से मैप से देखा जा रहा है। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और ये कार्टर होटल है लखनऊ का, सहारागंज के जस्ट बगल में है, बहुत ही पुराना होटल है बट बहुत ही अच्छा खाना, ऑथेंटिक खाना यहाँ पे मिलता है। हम लोग बहुत बार मंगा चुके हैं जोमेटो स्विगी से, तो हम लोग ने कहा क्यों ना वहाँ जाके ट्राई करें। और ये यहाँ का अंदर का डाइनिंग एरिया है, बिल्कुल भीड़ नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक शादी चल रही थी मुस्लिम की, तो हम लोग बस हम ही लोग थे एक गेस्ट, तो बहुत अच्छे से उन्होंने सर्व किया, बहुत अच्छी सर्विसेज रहीं। और परी कृषु और जिया जी आए थे तो बस हम लोग इतने ही लोग थे, बस ये हम सब ने किया डिनर और ये यहाँ पे हम लोग की सीटिंग चल रही है। निकलते हम लोग ने खाना आना खा लिया, निकल लिए हैं और अब यहाँ पे रुका गया आइसक्रीम खाने के लिए गंज के चौराहे के पास, मेरी मम्मी और माँ जी लोग दूसरी गाड़ी में हैं और जिया जी लोग भी दूसरी गाड़ी में हैं। तो ये है सीन, मैं ओरियो की आइसक्रीम लाई हूँ, खा रही हूँ। मम्मी तुम कौन सी खा रही हो, वनीला की, और मैं नहीं खा रही हूँ आइसक्रीम, इन्होंने एक और खाया है, मैंने एक चम्मच खा लिया लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ।
ऐसी ठंड है। अंदर तो लेके जाना बढ़िया साहब तुम लोग भी तो फोटो खींचो टीका के लगा भाई कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? हमने सिर्फ बस वही है। अरे मैं अभी भैया को बताता क्यों है वो यही कुछ नहीं है ना हम लोग केक काटते समय कोई गिफ्ट ही नहीं, हम व्लॉग बनाते हैं, सब सोचते होंगे इन लोग कैसे घर वाले कोई गिफ्ट ही नहीं देता है। कोई दिखता ही नहीं भाई, सब पहले दे देते हैं एक दूसरे को गिफ्ट, कोई पहन लेता है, कोई कुछ कर लेता है। बस वो तो पैसे देते हुए दिखाना पटा रोटी। सो गाइस फाइनली बर्थडे सेलिब्रेट हो गई है, हम लोग ने चेंज वगैरह कर दिया, अभी रात में 1 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है और हम लोग ने एग्जैक्ट 12 बज के कुछ मिनट पहले केक काटा है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग को वापस आते हुए और उसके बाद खाना वाना खा के आए थे, तो बस चेंज वेंज किया, बहुत पूरा कमरा फैला था वो थोड़ा सा सही किया और बस अब लेट गया, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड और मैं मिलूँगी आपको अपने नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी और बहुत एक्साइटिंग व्लॉग आएंगे, तो कीप ऑन वॉचिंग। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग, और मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द एक बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। सी यू सून, बाय बाय।